ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीसरी चौथी बात है, मैं आपको आत्माभिमानी कैसे बनना है उसके लिए कुछ बातें सुना था। पहली बात पवित्रता की धारणा, दूसरी कौन सी बताएं? सात स्वरूपों का अभ्यास, सात गुणों का अभ्यास। चौथी, तीसरी कौन सी बताएं? निराकारी बनना। चौथी चीज है, अगर हमें निराकारी स्वरूप का अभ्यास करना है, विधि पूर्वक योग लगाओ। जो योग विधि से करता है उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। विधि से मतलब, अब कई क्या करेंगे, योग करने के लिए आ रहे हैं, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे, बैंगन की सब्जी लेकर के, फिर सोचेगा अरे कितनी अच्छी सब्जी है, चलो शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेगी योग भट्टी करके जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार थैली तो लाए ना, वो बैंगन कैसे लेके जाऊँ? फिर कहेंगे कोई बात नहीं, उसके ऊपर प्लास्टिक का थैला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया है या ऐसा ही चल रहा है। फिर कहेंगे चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ चने, लेकिन सवेरे तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम। वो सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लग रहा है? वो बैंगन योग या छोले वाला योग है, बाबा वाला योग नहीं है। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्माभिमानी कैसे बनेंगे? इसलिए योग ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ है, विधि पूर्वक योग लगाओ। इसके ऊपर भी हम पूरा एक डेढ़ घंटे का क्लास है, वो कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे, हमें योग कैसे लगाना है। जिस योग लगाने से हमारी आत्मिक स्थिति बनती जाए, इसलिए योग लगाने के लिए विधि पूर्वक चाहिए योग। और जिसका योग विधि पूर्वक लगता है वही आत्माभिमानी बन सकता है।